हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज सुब्रत घोष और आप देख रहे हैं मेरा चैनल MSG वर्ल्ड। तो आज की इस वीडियो में हम फैट लॉस के बारे में बात करेंगे और कुछ एक्सरसाइज मैं आपको करके दिखाऊंगा जिससे आपको फैट लॉस करने में हेल्प हो। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे देखा जाए तो इंडिया में बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है फैट लॉस करना। अब ऐसा उन लोगों के साथ क्यों होता है? क्योंकि वो जब जिम ज्वाइन करते हैं आधा नॉलेज लेते हैं, आधा नॉलेज मतलब वो जिम ज्वाइन करने के बाद सिर्फ सोचते हैं कि वर्कआउट करने से उनका फैट लॉस हो जाएगा। लेकिन मैं उन लोगों को बोलना चाहूँगा, जितना आपका वर्कआउट इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट आपका न्यूट्रिशन और फूड भी है। एक्सरसाइज तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशन। तो आज हम इस वीडियो में पहले उस प्रोसेस को समझेंगे जिससे फैट लॉस होता है। तो चलिए, यहाँ पे मेन पॉइंट है एनर्जी। एनर्जी को काउंट किया जाता है कैलोरीज के हिसाब से। तो आपको समझना होगा कि फैट बर्न कैसे होता है। देखिए, जब आप कोई खाना खा रहे हो तो उससे जितना आपको एनर्जी मिल रहा है पूरा दिन में, उससे ज़्यादा आपको बर्न करना होगा, उसके बाद आपका फैट लॉस शुरू होगा। अगर आप जितना खा रहे हो उससे ज़्यादा बर्न नहीं करेंगे तो आपका वो एनर्जी स्टोर हो जाएगा एज ए फैट आपके बॉडी में। तो हमें क्या करना पड़ता है, हम जितना खाना खाते हैं पूरा दिन में कैलोरीज के हिसाब से उससे ज़्यादा बर्न करना होता है। जैसे इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपने मान लिया कि आपका डेली कैलोरी है 2000 और आपको फैट लॉस करना है, तो आपको जब आप जिम जाएंगे तो आपको 2000 से ज़्यादा कैलोरीज बर्न करना होगा, जैसे कि 2300-2400 कैलोरीज। तो वो जो एक्स्ट्रा 300-400 कैलोरीज आप बर्न करेंगे वो आप अपने स्टोर फैट से बर्न कर रहे हैं, तो इससे आपका फैट लॉस होता है। इसलिए आप क्या एक्सरसाइज कर रहे हो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्या न्यूट्रिशन ले रहे हो। अगर आप वाकई में अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे हो तो आपका गोल जो भी है आप उसको जल्दी अचीव कर पाएंगे। अब मैं आपको कुछ एक्सरसाइज दिखाऊंगा फैट लॉस करने के लिए, जैसे कि मैंने पहले बताया था। तो पहले हम वार्म अप से शुरू करेंगे। वार्म अप बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और वार्म अप के बीच में हम कोई भी रेस्ट नहीं लेंगे, कंटिन्यूस आपको एक्सरसाइज करते रहना है। तो हमारा जो वार्म अप का फर्स्ट सेट है वो है हाई नीज। तो चलिए मैं इसको दिखाता हूँ आप कैसे करेंगे। हाई नीज करने के लिए आप हाथ को सीधा रखें और इसको टच करने की कोशिश करें। मेक श्योर आप हाथ को थोड़ा नीचे रखें ताकि आपको कंफर्टेबल हो। इस एक्सरसाइज से क्या होता है, आपका ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, हार्ट रेट इंक्रीज होता है और आपको एक्सरसाइज करने में बहुत अच्छा हेल्प मिलेगा। अब इसी के साथ हमारा जो सेकेंड एक्सरसाइज है वो है बट किक्स। तो ऐसे कर सकते हैं बट किक्स, माफ करना मेरा माइक नीचे गिर गया था। सिंपली आप पैर को पीछे ले जाएं, बस ऐसे आपको करना है एक सेट। सब वार्म अप आप एक एक सेट करके करेंगे। अगर आप वार्म अप नहीं करेंगे तो आपका मोबिलिटी इंक्रीज नहीं होगा। मोबिलिटी मतलब आपका, अब जब कोई वर्कआउट करते हैं आपका अगर मोबिलिटी अच्छा है तो आपका इंजरी होने का चांसेस बहुत कम है, इसलिए आपको वार्म अप सेट लगाना है एक के बाद एक। अब इसी के साथ हमारा जो थर्ड वार्म अप सेट है वो है आर्म स्विंग। इसको कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल है। आपको हाथ को स्विंग करना है, ऐसे रोटेट करें, इससे आपका शोल्डर का मोबिलिटी भी इंक्रीज होगा और आप जब कोई एक्सरसाइज करेंगे तो आपको चोट लगने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। इसी के साथ हमारा जो फोर्थ एक्सरसाइज है वो है इंचोम। इसको कैसे करते हैं, अपने हाथ को ऐसे नीचे रखें, आगे जाएं, ऐसे फिर रिवर्स, ऐसे ही आपको लाना है। इससे क्या होगा, इस एक्सरसाइज से आपका हैमस्ट्रिंग, आपका लोअर बैक, अपर बैक सारे काम करेंगे। ऐसे आपको 10-12 रेप्स लगाने होंगे। अब हमारा जो लास्ट वार्म अप सेट है वो है बॉडी स्विंग। इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए आपको आपके बॉडी स्विंग करना होगा, मेक श्योर आपके पैर। तो ये थे चार वार्म अप सेट। अब हम लगाएंगे मेन एक्सरसाइज 2-3 जो मैं आपको इम्पोर्टेंट है बताऊँगा। इसको आप ऐड कर सकते हैं, बाकी आप जो वर्कआउट करते हैं वो आप करिए। अब हम आते हैं मेन एक्सरसाइज पे। तो 3-4 एक्सरसाइज मैं आपको दिखाऊंगा, इसको आप अपने वर्कआउट रूटीन में ऐड कर सकते हैं, आपको हेल्प होगा ज़्यादा से ज़्यादा फैट लॉस करने में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है जंपिंग जैक्स। इसको हम कैसे करेंगे, अब इसी के साथ हमारा जो सेकेंड एक्सरसाइज है वो है जंपिंग स्क्वाट्स। इसको हम कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो
तो थर्ड एक्सरसाइज जो है हमारा वो है पुशअप्स बर्पीज। पुशअप्स बर्पीज करने के लिए आपको ऐसे कैसे करता हूँ मैं, इसके साथ हमारा जो लास्ट एक्सरसाइज है वो है जंपिंग लॉन्जेस, इसको भी हम दिखाएंगे। चलिए तो फ्रेंड्स मैं इस एक्सरसाइज को एक्स्ट्रा आपको दिखा रहा हूँ, शूट करते करते मेरे माइंड में आइडिया है, अगर आपके पास ऐसी ऊंचा जगह है तो आप यहाँ पे भी इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज से क्या होगा, आपका ज़्यादा से ज़्यादा फैट बर्न होगा। और मेक श्योर आप एक चीज़ का ध्यान रखें, आप जब भी कोई एक्सरसाइज करें फैट लॉस के लिए तो आपका एक से ज़्यादा मसल इन्वॉल्व हो उसमें, क्योंकि जब एक से ज़्यादा मसल इन्वॉल्व होगा तो आपका कैलोरीज भी उतना ज़्यादा जल्दी बर्न होगा और ये आपके लिए बहुत अच्छा है। फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे एक न्यू वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक एक शेयर मुझे बहुत मोटिवेट करता है। जैसा कि मैं कहता हूँ, लव यू ऑल, आप अपना ध्यान रखें, घसे मत निकलिए। जय हिंद।